नो फाइवर, नो अपवर्क, नो फ्रीलांसर। सर कोई हार्डवर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका स्मार्ट वर्क है। ब्रेन यूज करना है आपने, थोड़ी सी एफर्ट है, बड़ा रिवॉर्ड है। ये जमाना है जनाब एआई का। अगर आप वाकई लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो एआई को अपनी लाइफ में इन जितनी जल्दी कर सकते हैं कर लें। उसकी वजह बताता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2023 से 2027 तक 44% जो इम्प्लाइज हैं, जो मुलाजम हैं, उनको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर वो अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते, कुछ नया नहीं सीखते, तो उनकी जॉब खत्म हो सकती है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। सो स्टार्ट योर इनोवेटिव अर्निंग टुडे। उसके लिए सीखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी हल्का सा टच कर दें। काम सारा तसल्ली के साथ समझाऊंगा, वीडियो मुकम्मल देख के स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए करने के दौरान, तो YouTube में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बता देंगे। काम करने वाले बने, हम सिखाने के लिए तैयार हैं। सर मोबाइल ओपन कर लें या लैपटॉप ओपन कर लें, सिर्फ आपके पास गूगल होना चाहिए और वहां पे लिखेंगे आप मीडियम, पहली ही वेबसाइट medium.com आपके सामने आएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। मैं आपको सबसे पहले इस वेबसाइट के बारे में बता दूं कि कितनी कमाल की इसकी रैंकिंग है, कितना ट्रैफिक है और कितनी जबरदस्त ये वेबसाइट है। ये इंटरफेस आपने देख लिया, अब जरा देखिएगा ये medium.com सिमिलर वेब से मैंने खोला है और यहाँ पे अपनी कैटेगरी में दूसरे नंबर पर है। और जनाब इसका जो विजिटर है वो 135.7 मिलियन है। इतना ज्यादा ट्रैफिक है इसके ऊपर। और आप अगर इसकी एवरेज ड्यूरेशन देखें तो वो 2.01 है। 2011 से ये वेबसाइट काम कर रही है और जनाब 25 मिलियन से 50 मिलियन रेवेन्यू एनुअल जनरेट कर रही है। वॉल्यूम देख लिया जी आपने। स्कैम एडवाइजर medium.com के बारे में कहते हैं जी इसका ट्रस्ट स्कोर है 100%। medium.com 100% ट्रस्ट स्कोर है। इन चीजों की बुनियाद पे आप भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो सर कैसे करना है? medium.com का इंटरफेस आपके सामने, गेट स्टार्टेड ये कॉर्नर में आ रहा है जी। आप इसके ऊपर करेंगे क्लिक, ये आपसे लॉगिन मांगता है जीमेल, फेसबुक और ईमेल के थ्रू। जैसे आपका दिल करे आप लॉगिन कर लीजिए। मैंने जीमेल पे किया क्लिक और यहाँ से अपने ईमेल एड्रेस को चूज कर लिया और ये इसने मुझे यहाँ पे लॉगिन दे दिया। आपको यहाँ पे अपना फुल नेम बताना पड़ेगा, तो मैं कह देता हूँ जी वकास भट्टी मेरा फुल नेम है। ईमेल एड्रेस ऑलरेडी फेच कर चुका है। क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके सामने सर कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप इंटरेस्टेड होंगे। यानी आपने करना क्या होगा, सिंपली आपने राइटिंग देनी होगी इसे, वो भी खुद लिख के नहीं, एआई के थ्रू, चैट जीपीटी जैसे एआई टूल के जरिए से। आपको मैं इसके ऊपर काम करना बताऊंगा। सबसे पहले आपने इसमें अपना इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, डेटा साइंस में है, टेक्नोलॉजी में है। तो मैं कह देता हूँ जी टेक्नोलॉजी कर लें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर लें, राइटिंग कर लें, रिलेशनशिप कर लें। इसके अलावा जो जो आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। ये लीडरशिप भी मुझे पसंद है जी, मैंने इसको भी क्लिक कर लिया। उसके बाद कंटिन्यू के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको मंथली और एनुअल फीस के बारे में कह रहे हैं। आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ना ही कोई पैसा देना है। इसके नीचे थोड़ा सा अगर आप देखें तो कंटिन्यू फ्री अकाउंट लिखा हुआ है जी, क्लिक करके ओपन कर लें। ये ले जनाब आपका अकाउंट बन गया, ओपन हो गया। अब काम करना सीखे और अर्निंग समेटना शुरू करें। अगर आप इस पे वाकई अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए एक सजेशन दे देता हूँ कि यहाँ आप प्रोफाइल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ प्रोफाइल के ऑप्शन पे आ जाएं। इधर आप अपनी प्रोफाइल में पिक्चर लगाएं। पिक्चर आपकी होनी चाहिए जनाब प्रोफेशनल किस्म की, तो यहाँ मैं प्रोफेशनल पिक्चर लगा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ आप नाम पहले लिख के आए हुए हैं। यहाँ बायो के अंदर आपने थोड़ा डाटा अपना देना है कि आप कौन है, क्या करते हैं, किस हवाले से हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई एम ए ब्लॉगर एंड राइटर। लिखने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। लिखना नहीं आता चैट जीपीटी से, अभी आगे आपको बताऊंगा। आपने काम सीख के जाना है,
और काम का प्रॉपर क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। नीचे आपके पास प्रोफाइल डिजाइन है, आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ नीचे कस्टम डोमेन है, अगर आप इससे करवाएंगे तो ये फिर आपसे पेमेंट मांगेगा। आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपको पैसे देने पड़े। ये प्रोफाइल के एडिशनल स्टेप से जो मैंने आपको बता दिए जनाब, आप सिंपली राइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने सारी डिटेल आ गई है कि आपने यहाँ पे लिखना है। लिखना क्या है? आपकी अपनी चॉइस का। किस टॉपिक के ऊपर लिखना है? आपकी अपनी चॉइस के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स की तरफ आएं। उसके लिए वापस सिमिलर वेब के ऊपर हम आते हैं और medium.com ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे जरा इसकी ऑडियंस देख लीजिए, 135 मिलियन इस पे बात हो चुकी है जी। और उसके बाद आप नीचे आएंगे मार्केटिंग चैलेंजेस के ऊपर। आप अगर यहाँ एक चीज को देखें तो यहाँ पे 63% कस्टमर ऐसा है जो ऑर्गेनिक सर्च से आ रहा है, यानी लोग गूगल में सर्च करते हैं और वो इस वेबसाइट पे आते हैं। ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको जानना। अब अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो जनाब आपके पास प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, उसके बाद कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स है। इन दो टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे सर्च आउट किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो है ये वेबसाइट इन दो टॉपिक्स की वजह से मशहूर हो रही है। तो आपने सर सिंपली क्या करना है, इन टॉपिक्स के ऊपर कॉन्टेंट देना है। किस तरीके कार से? AI की मदद से। यहाँ मैंने AI ओपन किया, न्यू चैट के ऊपर क्लिक कर लिया है। अब सिंपली यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेल मी द टॉप 10 प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। लिखने के बाद ओके के बटन पे मैंने क्लिक किया, ये सर इसने लिखना शुरू कर दिया। अब ये कंप्लीट लिखता जा रहा है, आप इसको देखते जा रहे हैं। 1-1.5 मिनट का टाइम लेगा मैक्सिमम, बल्कि इससे भी कम टाइम। तो उसके बाद सिंपली आप क्या करेंगे, अपने इस टॉपिक को करेंगे कॉपी। कॉपी कर लेने के बाद आपने यहाँ टाइटल की जगह पे इसको कर देना है पेस्ट। अब यहाँ पे आपने स्टोरी अपनी लिखनी है, यानी जो कंटेंट आपने निकाला था वो सारा कंटेंट आपने यहाँ से करना है कॉपी। ये जनाब कर दिया आपने पेस्ट। अगर आप इसकी हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो सर इसकी हेडिंग लाजमी बनाइए, आपका कंटेंट जो है वो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। इधर ऊपर आपके पास ये हेडिंग का ऑटोमेटिकली आ गया है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हेडिंग बन जाएगी। उसके बाद इसकी भी हेडिंग मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, ये ले जी ऑटोमेटिकली काम होता जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ ब्रेन और AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे उतनी आप अच्छी अर्निंग जनरेट कर पाएंगे। टॉपिक आपने रिसर्च करके लेना है और उसके बाद इस तरीके कार से काम करना है। ये मैंने इसकी सारी सेटिंग कर दी है और उसके बाद अब आपने इसको पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पब्लिश के ऑप्शन पे जाएंगे आपको यहाँ पे कहता है एड अ टॉपिक। आपने सिंपली वही वाला टॉपिक जो ऊपर हमने दिया था ChatGPT में करना है कॉपी, लगाना है यहाँ पे और उसके बाद जनाब इसको पब्लिश नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। पब्लिशिंग योर स्टोरी आ गया जी। ये लो जी, ये मेरा कंटेंट यहाँ पे इसने पब्लिश कर दिया है, लोग इसको देखेंगे और देखने के पैसे मुझे मिलेंगे। इस तरीके कार से हम भी अर्निंग कर रहे हैं, आप भी लाजमन इसको ट्राई करें, अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा आपके पास। ये जरा देख लीजिएगा कि मीडियम $15 से $30 आपको देता है 1000 व्यू पे, यानी 1000 लोग मेरे इस पेज को देखता है तो मुझे $15 से $30 के दरमियान इनकम होगी। इतना बड़ा पैकेज ये आपको दे रहा है, इसके अलावा और क्या चाहिए आपको। अब आपने लेना है इससे विंड्रॉ, तो विंड्रॉ जो है वो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं, यानी बैंक अकाउंट में ले सकते हैं या पेपाल में ले सकते हैं। अगर आप मेरे पाकिस्तानी सब्सक्राइबर हैं तो पेपाल यहाँ पे काम नहीं कर रहा डायरेक्टली, आप बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी जनाब, मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप 20 से 25 ब्लॉग यहाँ पे पोस्ट करें, पोस्ट कर लेने के बाद आप पार्टनरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करें, इंशाल्लाह लाजमी ग्रो करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।